रात भर क्या हुआ था? हम मंडल सर में पता ही भी नहीं था क्या हुआ गांव में। अच्छा, हम जैसे मंडल से निकले साढ़े आठ नौ बज चुके अंदाज से, साढ़े आठ बजे के बीच में। हम जैसे रास्ते में आए, आठ दस लड़के खड़े हुए थे वहाँ, चाकू तलवार लाठी फर्ची भी थी, लंबी फर्ची। उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी को हमने क्या हुआ देखते, उन्होंने सुरेश और धारा सिंह ने इन्होंने तलवार पीछे से इंदर सिंह पे मार, जैसे भी हमारे, मैंने गाड़ी करके नीचे उतर गया। सुनो तो मैंने हुआ क्या, इतने में वो अमर से निर्भय से, राम सिंह निर्भय से, बाबू निर्भय से, बाबू और मांगू बहाने थे हमारे गांव के और रहने वाले बुक्का के, तीन जने वो दो गोवाल खेड़ के वही बहाने थे वहीं के, देव सिंह नार जी, सुरेश नार जी। इतों में उन्होंने लाठी शुरू कर दी, मेरे लगी यहाँ यहाँ, मैं बता रहा एक पैर पे इस पे ये लगी, उन्होंने तलवार खींची ना, मेरा हाथ जो टपके वो तलवार की नोक यहाँ फाड़ के मेरे को निकल गई। मैं वो जैसे वहाँ से निकल गया, गाड़ी थी गाड़ी छोड़ के निकल गए, इन भाइयों को बुलाया मैंने। हमारे परिवार के जितने भी थे सदस्य, लड़े यही निकलने करने की बात को लेकर किया, सब यही है यार बात कर लो। वो बाद में कर लेंगे, पहले तुम चलो इसको लेके चलो। क्या घटनाक्रम क्या हुआ है? हमें कुछ पता नहीं है, जैसे ये कॉल आया हमारे पास की हेड जो है और एक्सेल भी है, तो हम जैसे ये कॉल आया नागदा बैंक थे, नागदा बाईपास थे, लोग से आ गए। ये बॉडी किस अवस्था में मिली आपको? डेथ अवस्था, डेथ अवस्था। एक फ्रैक्चर है जो अभी जाने के लिए मना कर। क्या नाम आपका? मनीष कुमार नागर। आपका? दुबे पायलट।